Good afternoon, everyone. Welcome to Let's Crack Defense with India's largest learning platform, Unacademy. Today's session is on important instruments and discoveries. But before starting that, let us discuss about the process of Unacademy. About myself, I am Samita Rana, MSc Physics B.Ed. I have a teaching experience of more than 8 years in both offline and online teaching, and I have cleared CTET, StateTET, TGT Commission, and various other competitive exams. And if you want to clear your exam, then join Plus. अब आपका next step होना चाहिए Plus पे subscription लीजिए. February start हो चुका है, आप delay मत कीजिए. जितना भी time है उसके full benefit उठाने के लिए Plus पे जो course चल रहे हैं उनके लिए subscribe कीजिए. Different courses, CDS, FCAT, CAPF, आपको different courses मिलेंगे सबके लिए. तो आपका first step होना चाहिए, सबसे पहले तो Unacademy Learning app install करो. ऐप इंस्टॉल करने के बाद जो भी आपका कोर्स, जो भी CDS है, FCAT है, CAPF है, जो भी आपका कोर्स है उसका सब्सक्रिप्शन लो. ठीक है, ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं. स्टार्टिंग से करोगे, रेगुलरिटी बनेगी और सारा सिलेबस कवर होगा और 100% आपका एग्जाम क्लियर होगा. टेलीग्राम ग्रुप लेट्स क्रैक डिफेंस, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. सब्सक्रिप्शन के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो 1 month का सब्सक्रिप्शन आपको कॉस्ट करेगा 1440 rupees पर मंथ, बट रेफरल कोड यूज करने के बाद. कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, आप अगर रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा. और जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपने मेरा रेफरल कोड यूज करना है, समिता, SAMITA, मेरा रेफरल कोड यूज करने पर 10% ऑफ. बट सब्सक्रिप्शन लेना ही है तो देन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ 12 months. प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट 12 months में आपका सारा कोर्स एक प्रॉपर वे में कवर होगा. 1 month सिर्फ फास्ट रिविजन हो पाएगी, बट 12 months में प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में सारा कोर्स कवर होगा, वो भी जो हाईली क्वालिफाइड एजुकेटर्स, एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर प्लस पे सेशन ले रहे हैं. प्राइस है इसका 8800 rupees, बट मेरा रेफरल कोड यूज करोगे तो सिर्फ 7920 rupees ये आपको कॉस्ट करेगा. पर मंथ आप देख सकते हैं ओनली ₹660. एक सब्सक्रिप्शन लिया ₹660 में, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे. लाइव सेशंस आपको मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस अलग से होंगे, क्विज सीरीज अलग से, तो सब चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में. जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में है 24 months का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, और ये आपको कॉस्ट करेगा 11520 rupees रेफरल कोड यूज करने के बाद. ओके, आज का हमारा सेशन है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिस्कवरीज. फिजिक्स की हम बात करेंगे. गुड आफ्टरनून विपिन, नमस्कार औरा, गुड आफ्टरनून संदीप. ओके, 7 PM दूसरा सेशन है और 7 PM हम करेंगे आज बायोलॉजी मॉक टेस्ट. ठीक है, बायोलॉजी क्विज कह लें या टेस्ट कह लें. तो बायोलॉजी 30 questions ऑलमोस्ट, बेसिक क्वेश्चन सभी ट्राई करना. जिनको बायोलॉजी, जिनको नहीं भी आती है वो भी इसको अटेंड करो, काफी क्वेश्चन आपके आज बायोलॉजी के कवर हो जाएंगे. और ये सेशन है शाम को 7 बजे. आज शाम को 7 बजे हम ये सेशन करेंगे. यस सुधांशु, ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कवरीज है ये आपकी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैंने सिर्फ साइंस के लिए है. मैंने इंस्ट्रूमेंट्स और डिस्कवरीज जितने भी है सारे साइंस बेस्ड, सारे के सारे. ओके, सो साइंस वाले जितनी भी चीजें आपकी एनडीए के लिए बेनिफिशियल है, बायोलॉजी पोर्शन भी एनडीए में आता है. सो एनडीए के लिए भी आप बायोलॉजी, और ये बेसिक क्वेश्चन है बायोलॉजी के जो हर एग्जाम में आते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करती हूँ अब सेशन. एक बार सभी लाइक कर दो सेशन को पहले, देन हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स. एक एक करके आप सुनते चलो, नोट भी कर सकते हो. जो बच्चे भी जिन्होंने प्रेपरेशन स्टार्ट की है साथ साथ में नोट्स बना लो. जितने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है साइंस से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स मैंने सारे कवर किए हैं, तो साथ में नोट कर लो. एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर वो डिवाइस होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है. द डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटर. तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट सीरीज वाइज ए से मैंने स्टार्ट किया है. एक्यूमुलेटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना. देन एक्टियोमीटर, इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन. सन से जो रेज आ रही हैं उनकी इंटेंसिटी कैसी है ये मेजर करने के लिए एक्टियोमीटर, ये डिवाइस यूज की जाती है. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, डिवाइस भी कह सकते हैं. सो एक्टियोमीटर हम यूज करते हैं टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन. ओके, वन बाय वन. ऑल्टीमीटर मेजर्स द हाइट ऑफ अ फ्लाइंग प्लेन. प्लेन उड़ रहा है, जो भी एरोप्लेन, उस कितनी हाइट पर वो है उसको डिटेक्ट करने के लिए ऑल्टीमीटर यूज किया जाता है. ठीक है, एक दो बार सुन लोगे, सुन के भी कई चीजें याद रह जाती हैं, अदरवाइज साथ में नोट्स बना लो आप. तो
ऑल्टीमीटर की हमने बात की. ऑल्टीमीटर इज यूज टू मेजर द हाइट ऑफ अ फ्लाइंग प्लेन. एमीटर, एमीटर यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए. एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, करंट में सर्किट में इसको हम एमीटर को लगाते हैं जिसमें हमें करंट की रीडिंग मिलती है. अगर बहुत ही स्मॉल करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं. स्मॉल करंट है तो गैल्वेनोमीटर, अदरवाइज हम करंट मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसे एमीटर कहते हैं. एनीमोमीटर ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, साथ के साथ इंपॉर्टेंट बता दूंगी. गुड आफ्टरनून प्रभात. साथ के साथ इंपॉर्टेंट वाले जो है उनको अलग से नोट कर लेना जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं. एनीमोमीटर, इट मेजर्स द स्पीड ऑफ एयर. एयर की स्पीड एनीमोमीटर से पता चलता है. ऑडियोमीटर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड. देखो ऑडियो वर्ड, ऑडियो वर्ड ही साउंड से रिलेटेड है तो इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. ऑडियोफोन, एड इन हेयरिंग. जिसको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो जो यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट सुनने के लिए उसको ऑडियोफोन कहते हैं. तो इट इज एन एड इन हेयरिंग. तो अभी हमने जितने डिस्कस किए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें जो बहुत बार पूछा जाता है वो है एनीमोमीटर. स्पीड ऑफ एयर, ठीक है, एयर की स्पीड चेक करने के लिए दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज. तो एक बार फिर से देखो, एक्यूमुलेटर, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एक्टियोमीटर, इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन. ऑल्टी, ऑल्टीट्यूड. देखो अब कैसे याद रख सकते हो, ऑल्टी मतलब ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड है. और ऑल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट. तो हाइट मेजर करने के लिए इसको हम यूज करते हैं. ऑल्टीमीटर यूज होता है मेजर द हाइट ऑफ अ फ्लाइंग प्लेन. एमीटर करंट के लिए. एनीमोमीटर एयर की स्पीड के लिए. ऑडियो साउंड से रिलेटेड तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड. और ऑडियोफोन एड इन हियरिंग. अब इससे आगे नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला बैरोमीटर. ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उनको तो जरूर नोट कर लेना. बैरोमीटर, बैरोमीटर यूज करते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए. यहीं से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट भी बार. ठीक है, हमने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट बार होती है, पास्कल भी होती है. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसको कहते हैं बैरोमीटर मेजर करने के लिए. बाइनोकुलर, दूरबीन जिसको हम कहते हैं, यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. कैलोरीमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है. कैलोरी वर्ड हीट से रिलेटेड होता है. ठीक है, हीट की यूनिट ही कैलोरी, तो कैलोरी वर्ड इज रिलेटेड विद हीट. तो इसको हीट से याद रखना है कि क्वांटिटी ऑफ हीट मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है वो है कैलोरीमीटर. कॉपर का बना हुआ होता है ये एंड मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ हीट. तो कैलोरी को याद ही रख लो, कैलोरी वर्ड का मतलब है हीट. तो कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस विच इज यू मेड अप ऑफ कॉपर एंड मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ हीट. कार्बोरेटर, इंजन्स में यूज होता है कार्बोरेटर. इसका काम है एयर और पेट्रोलियम वेपर्स को मिक्स करना. एन अरेंजमेंट इन इंटरनल कंबशन इंजन्स टू मिक्स एयर विद पेट्रोलियम वेपर्स. ठीक है, तो कार्बोरेटर का यूज होता है इंजन्स में और काम है इसका एयर को और पेट्रोलियम वेपर्स को मिक्स करना. कार्डियोग्राफ, यूज फॉर ट्रेसिंग द मूवमेंट ऑफ हार्ट. ये मेडिकल फील्ड में यूज होता है कार्डियोग्राफ, हार्ट की मूवमेंट. ठीक है, उसको ट्रेस करने के लिए ECG, इलेक्ट्रोकार्डियो जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. तो वो वही चीज है, यहाँ पे कार्डियोग्राफ वर्ड यूज हो रहा है. कार्डियक एक्टिविटी मतलब हार्ट से रिलेटेड, तो यूज फॉर ट्रेसिंग द मूवमेंट ऑफ हार्ट. क्रोनोमीटर, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन शिप टू कैलकुलेट एक्यूरेट टाइम. तो क्रोनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो शिप में लगाया जाता है एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करने के लिए. देखो आप डिफरेंस याद रखना, कैलोरी वर्ड इज रिलेटेड विद हीट, ये कैलोरीमीटर है. कैलोरीमीटर तो ये कलर से बना है फॉर कंपेयरिंग इंटेंसिटीज ऑफ कलर. कैलोरीमीटर हीट और कैलोरीमीटर कलर से रिलेटेड है. सो कैलोरीमीटर कलर फॉर कंपेयरिंग इंटेंसिटीज ऑफ कलर. गुड आफ्टरनून रॉबिन. तो एक बार फिर से देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें दो, बैरोमीटर और कैलोरीमीटर. ठीक है, इंपॉर्टेंट तो अभी के अभी साथ में याद कर लो जितने आपको बताए. सबसे पहले यहां पे मैंने एनीमोमीटर, ऑल्टीमीटर भी याद रख लो. ऑल्टी को याद रखना है ऑल्टीट्यूड से. एमीटर करंट के लिए. एनीमोमीटर मेजर्स द स्पीड ऑफ एयर. देन बैरोमीटर हमारा इंपॉर्टेंट आया, क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं इससे. कैलोरीमीटर से हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट. तो कैलोरी वर्ड हीट से रिलेटेड है. कैलोरीमीटर कलर से है तो ये इंटेंसिटी ऑफ कलर. कार्बोरेटर इंजन्स में टू मिक्स एयर विद पेट्रोलियम वेपर्स. कार्डियोग्राफ कार्डिक हार्ट की मूवमेंट को ट्रेस करने के लिए.
क्रोनोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन शिप टू कैलकुलेट एक्यूरेट टाइम। ठीक है, ऐसे हमारे पास काफी सारे हैं, मैंने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट कवर करने की कोशिश की है आज के सेशन में, इतने भी याद कर लोगे बहुत है और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, रेस्कोग्राफ नेक्स्ट हमारे पास आता है। रेस्कोग्राफ इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, देखो डिफरेंट है, ठीक है, सी साइलेंट होगा। रेस्कोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की ग्रोथ को चेक करने के लिए। डायनेमोमीटर फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पावर, डायनेमोमीटर भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक मोटर इंपॉर्टेंट है, ये हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, डिटेल में आपके टेंथ में ये काफी अच्छे से आती है फिजिक्स में, इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर वो डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। जब हम करंट पास करते हैं तो करंट पास करने से जब कोई मशीन काम करती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। सो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। गुड आफ्टरनून सोनू। तो क्रेस्कोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स रिकॉर्ड करने के लिए। डायनेमोमीटर इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लो, डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी इंपॉर्टेंट। अब ये देखो, ये मेरे पास आया है इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफ ECG, रिकॉर्ड एंड इंटरप्रेट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। ECG वर्ड सुनते हो ना बहुत बार, कि ECG फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफ, ब्रेन की एक्टिविटीज रिकॉर्ड करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, ब्रेन में क्या एक्टिविटी हो रही है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफ। गुड आफ्टरनून अभी। इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें, इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी सुना होगा नाम, कि कहां पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, करंट को नहीं चार्ज को, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एमीटर और चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट आता है हमारे पास फैदोमीटर, एक और इंपॉर्टेंट जहां मैं साथ में लिख रही हूं प्लीज, ओके, जहां पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूं उनको तो नोट ही कर लो साथ में, वो बार बार पढ़ने हैं। अब ये टॉपिक मैंने आज पहले क्यों लिया है, क्योंकि आपके एग्जाम को अभी टाइम है, ये ऐसी चीजें हैं अगर आप एक बार आज करोगे थोड़े टाइम बाद दोबारा एक बार रीड करना, 3-4 times आप पढ़ोगे आपको लर्न हो जाएंगी, बट एक बार पढ़ के आप सोचोगे कि आप एग्जाम तक आपका हो गया, नो, ये भूल जाते हैं, तो इनको आपने 3-4 times रिवाइज करना है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में फिजिक्स स्टार्टिंग में ही करवा दिया है, अब आपको जब भी फ्री टाइम हो इनको रिवाइज करो। अब फैदोमीटर अगला हमारा इंपॉर्टेंट आता है फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ ओशन, ओशन की डेप्थ मेजर करने के लिए। सो फैदोमीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ ओशन। गैल्वेनोमीटर अभी आपको बताया था स्मॉल करंट के लिए, स्मॉल करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर। तो ये जो अभी हमने नेक्स्ट डिस्कस किए, क्रेस्कोग्राफ इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इलेक्ट्रिक मोटर इंपॉर्टेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, फैदोमीटर इंपॉर्टेंट है फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ ओशन, फैदोमीटर यूज करते हैं, और गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट के लिए, बहुत ही कम करंट है, बिल्कुल पॉइंट करंट, स्मॉल करंट बहुत ही, तब गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, अगर थोड़ा सा भी करंट ज्यादा होगा तो गैल्वेनोमीटर यूज नहीं होगा, तब एमीटर यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास आती है गीगर मुलर काउंटर, GM काउंटर भी इसको कहते हैं, गीगर मुलर काउंटर, अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन ऑफ अ रेडियोएक्टिव सोर्स। रेडियोएक्टिविटी पढ़ते हैं हम, यस संजना, ये आपके एक बार सारे रिवाइज हो जाएंगे आज। तो GM काउंटर की बात करते हैं, रेडियो एक्टिविटी में जो रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव सोर्स से जो रेडिएशंस निकल रही हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए ये डिवाइस यूज होती है, अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव सोर्स। यस संजना, सभी आप लोग जिनका भी CDS का एग्जाम आ गया है, सभी आप लोग रेडी है, यस लेट्स क्रैक इट। ग्रेविमीटर की बात करें तो ग्रेविमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट ऑयल डिपॉजिट्स अंडर वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेविमीटर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑयल डिपॉजिट्स अंडर वाटर, पानी के नीचे मिलता है ना ऑयल, तो कहां पे ऑयल के डिपॉजिट हैं वो डिटेक्ट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, ग्रेविमीटर। गायरोस्कोप टू इलस्ट्रेट द डायनेमिक्स ऑफ रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी किस तरह से रोटेट कर रही है, कौन सा मोशन वहां पे फॉलो हो रहा है, गायरोस्कोप यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आते हैं ये तीनों H से जो है,
एच वाले तीनों ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोमीटर, हिप्सोमीटर एंड हाइग्रोमीटर. हाइड्रोमीटर, हाइड्रो वर्ड वाटर से रिलेटेड है, ठीक है. कैसे बनता है वाटर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. सो हाइड्रो को याद रख लो कि जो वाटर वाला है, पानी वाला, लिक्विड वाला जो है वो हाइड्रो, क्योंकि हाइड्रो हाइड्रोजन वाटर. इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, एच वाले तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हाइड्रोमीटर कैसे याद रखोगे? हाइड्रोमीटर वो डिवाइस होती है जो लिक्विड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी, टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड. इसके साथ दूसरा अगर मैं देखूं, हाइग्रो, हाइग्रो एयर से रिलेटेड है, हाइड्रो वाटर से, हाइग्रो एयर से, टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन एयर. इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन एयर, एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है. ह्यूमिडिटी कब आएगी? जैसे फॉग है या कुछ है तो कुछ वाटर की ड्रॉप्स एयर में आ जाती हैं, मतलब ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड हो जाता है. कितनी ह्यूमिडिटी है ये चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको कहते हैं हाइग्रोमीटर. तो हाइड्रो वाटर, हाइग्रो एयर, ऐसे याद रखना है. हिप्सोमीटर की बात करें तो टू इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द हाइट अबव सी लेवल. ज्योग्राफी पढ़ते हो, वहां पे हर चीज हम बात करते हैं कि इसकी हाइट सी लेवल से इतनी है. कौन जगह, कितने सी लेवल, कोई भी जगह की बात करोगे तो आप कहते हो हाइट अबव सी लेवल. जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ये मेजर करने के लिए वो है हिप्सोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द हाइट अबव सी लेवल. कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप देखा भी होगा ऑलमोस्ट सभी ने, इस तरह का डिजाइन बनाया होता है कि उसके अंदर आप किसी चीज को देखोगे तो डिफरेंट शेप्स दिखाई देती हैं. यूज टू सी वेरियस टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल डिजाइंस, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस दिखते हैं. बट यहां जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं वो ये तीन है. इन तीनों को भी साथ के साथ याद रख लो. और याद रखने का, हाइड्रो वाटर से रिलेटेड, हाइग्रो एयर वाला, और हिप्सोमीटर एंड इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द हाइट अबव सी लेवल. तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रही हूँ प्लीज उनको नोट कर लो साथ में. जीएम काउंटर, जीएम काउंटर, गीगर मुलर काउंटर को याद रखना है. डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव सोर्स. ग्रेविमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट ऑयल डिपॉजिट अंडर वॉटर. ग्रेविटी से रिलेटेड. गायरोस्कोप, डायनेमिक्स ऑफ रोटेटिंग बॉडी. कैलिडोस्कोप, यूज टू सी वेरियस टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल डिजाइन. और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोमीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स. हिप्सोमीटर, हाइट अबव सी लेवल. हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी इन एयर. ओके, अभी ओके, इन तीनों को एक बार फिर से सुन लो. तो ओके, एक बार फिर, अभी तक हमने जितने किए हैं ठीक है, लास्ट में रिवाइज करते हैं. पर हाइड्रो, हाइड्रो को याद रखोगे वॉटर से, वॉटर. तो लिक्विड की डेंस ग्रेविटी, लिक्विड के, लिक्विड से रिलेटेड, बस आप ऐसे याद रख लो कि लिक्विड से जो रिलेटेड है. हाइग्रो की हमने बात की, एयर, इसको याद रखना है एयर. इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन एयर. ह्यूमिडिटी क्या होती है? एयर में कई बार कुछ वॉटर की ड्रॉप्स आ जाती हैं. आपने देखा है आजकल विंटर्स हैं तो सुबह शाम जो कोहरा पड़ता है, फॉग पड़ रही है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है. ह्यूमिड, ह्यूमिड ज्यादा हो रहा है ठीक है. ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी डिफरेंट थिंग. तो ह्यूमिडिटी कितनी है एयर में, उस चीज को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको कहते हैं हाइग्रोमीटर. टू मेजर, और याद रखने के लिए सिंपल आप याद रखो, क्योंकि कंफ्यूजन के लिए आपको यही दिया होगा, एयर वाटर इस तरह से यही वाले ऑप्शन दिए होंगे. हाइड्रो को याद रख लो वॉटर से रिलेटेड है, और हाइग्रो इज रिलेटेड विद एयर. हाइग्रो वर्ड एयर के लिए. लैक्टोमीटर ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क. मिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए लैक्टोमीटर यूज होता है. लाइटनिंग कंडक्टर, प्रिवेंट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग. बहुत सारी बिल्डिंग्स के ऊपर देखा होगा, बिल्डिंग्स के ऊपर इस तरह से एक लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है. ये इसलिए यूज करते हैं कि अगर इन केस कभी लाइटनिंग हो और लाइटनिंग उस बिल्डिंग पे आ जाए. अब देखो, हमें पता है कि जो लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है, उसमें बहुत ही ज्यादा चार्ज होता है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि अगर हमारे ऊपर गिर जाए तो हम खड़े खड़े वहीं जल जाएंगे, इतना ज्यादा उसमें करंट है. तो हम क्या करते हैं, हम लाइटनिंग कंडक्टर्स का यूज करते हैं. लाइटनिंग कंडक्टर मींस, जो देखो जितनी ऊपर चीज है वो पहले कैच करेगी उस लाइट को, तो जैसे ही वो लाइट आएगी वो लाइटनिंग कंडक्टर पे जाएगी. लाइटनिंग कंडक्टर अर्थ से जुड़ा होता है, इसको इस तरह से कनेक्ट किया होता है कि इसको अर्थ किया होता है, तो सारा का सारा जो करंट है वो अर्थ के अंदर चला जाता है. सो लाइटनिंग कंडक्टर बहुत सारी डिवाइसेस में यूज होता है, बहुत सारे घरों के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम लाइटनिंग, लाइटनिंग से प्रिवेंट करने के लिए. मैनोमीटर,
ये भी इंपॉर्टेंट है। मैनोमीटर भी इंपॉर्टेंट है फॉर डिटरमिनिंग द प्रेशर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर बात हो रही होगी तो बैरोमीटर यूज होगा, और सिंपल गैस के प्रेशर की बात हो रही होगी देन मैनोमीटर। ठीक है, हम करते हैं ना एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बीकर डिफरेंट कंटेनर्स में गैसेस ली हैं, तो किस गैस का प्रेशर, कौन गैस कितना एक्सर्ट कर रही है, उसके लिए मैनोमीटर। डिफरेंस ऐसे याद रखना, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात होगी तो बैरोमीटर, और सिंपल प्रेशर ऑफ गैसेज होगा तो मैनोमीटर फॉर डिटर्मिनिंग द प्रेशर ऑफ गैसेज। माइक्रोफोन, इंस्ट्रूमेंट फॉर कन्वर्टिंग साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। माइक्रोफोन जो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप, छोटी चीजों को बड़ा देखने के लिए जो आप यूज करते हो। माइक्रोस्कोप कन्वेक्स लेंस होते हैं, इसमें माइक्रोस्कोप में टू कन्वेक्स लेंस होते हैं, और इस इंस्ट्रूमेंट से जब आप किसी छोटी चीज को देखोगे तो वो बड़ी दिखती है। तो इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस एनलार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये मैं आपको ऑप्टिक्स में अच्छे से करवाऊंगी, माइक्रोस्कोप डिटेल में ऑप्टिक्स में करेंगे हम। गुड आफ्टरनून विक्रम, यस इसको हम डिटेल में करेंगे ऑप्टिक्स में, बट अभी के लिए याद रख लो, थोड़ा सा आइडिया दे रही हूं। टू कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं हम, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कन्वेक्स लेंस और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में टू कन्वेक्स लेंस, टेलीस्कोप में भी टू कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। तो माइक्रोस्कोप एन इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस एनलार्ज्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, छोटी चीजों को बड़ा देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो है माइक्रोस्कोप, और दूर की चीजों को पास देखने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो होगा टेलीस्कोप। अगर ये भी आपको दो तरह से पूछ लिया जाता है, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिफरेंस क्या रहेगा दोनों में, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कन्वेक्स लेंस होता है, वन कन्वेक्स लेंस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में टू कन्वेक्स लेंस होते हैं। आपने देखा होगा ज्वेलर्स के पास आप जाते हो, या कोई घड़ी वाली शॉप है, वॉच मेकर है, वो क्या करते हैं, एक लेंस यूज करते हैं ना, किसी छोटी चीज को, सेल को या छोटी सी चीज को, उसको अगर बड़ा देखना है तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, एक कन्वेक्स लेंस, उसी को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। जो सिंपल कन्वेक्स लेंस ज्वेलर्स यूज करते हैं, वॉच मेकर्स यूज करते हैं, वही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। बट जब एक प्रॉपर पैटर्न एक डिजाइन से बनाया जाता है जिसमें टू कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी टू प्रोड्यूस एनलार्ज्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, छोटी चीज की इमेज को बड़ा कर देगा। ओडोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल्स, व्हीकल्स में, गाड़ियों में ये डिवाइस, ये इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है कि गाड़ी ने अभी तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो ओडोमीटर, ओडो डिस्टेंस के लिए, इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटर्मिन द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल्स, दिस इज ओडोमीटर, और स्पीड के लिए स्पीडोमीटर होता है। ओके, डिस्टेंस के लिए ओडोमीटर, स्पीड के लिए स्पीडोमीटर। फोटोमीटर की अगर हम बात करें तो फोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू कंपेयर द इल्यूमिनेटिंग पावर ऑफ टू सोर्सेज ऑफ लाइट, लाइट की सोर्स, लाइट सोर्स जो भी है उससे जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो दो सोर्सेज से जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है उनकी पावर को कंपेयर करने के लिए। टू लाइट सोर्सेज हैं, डिफरेंट लाइट सोर्सेज हैं, उनसे जो लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है उस लाइट की पावर को कंपेयर करने के लिए। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंपेयर द इल्यूमिनेटिंग पावर ऑफ टू सोर्सेज ऑफ लाइट, फोटोमीटर। अब यहां पे जो आपने याद रखने हैं इंपॉर्टेंट, लैक्टोमीटर ऑलमोस्ट सभी को याद होता है, टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क, मैनोमीटर फॉर डिटर्मिनिंग द प्रेशर ऑफ गैसेज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर, और नॉर्मल अगर हम गैस की बात कर रहे हैं फॉर डिटर्मिनिंग द प्रेशर ऑफ गैसेस मैनोमीटर यूज होगा। माइक्रोस्कोप, छोटी चीजों की अगर बड़ी इमेज देखनी है, एन इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस एनलार्ज्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओडोमीटर डिस्टेंस के लिए, गाड़ियों में इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टू डिटर्मिन द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल्स, फोटोमीटर दो लाइट सोर्सेज से जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है उनकी इंटेंसिटी को कंपेयर करने के लिए। पोटेंशियोमीटर, ओके नेक्स्ट आता है पोटेंशियोमीटर, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज भी कह सकते हो, ईएमएफ, दो सेल्स की ईएमएफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए ये डिवाइस यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर। पाइरोमीटर, पाइरोमीटर हाई टेम्परेचर, देखो अगर टेम्परेचर कम है तो हम थर्मोमीटर यूज करेंगे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर हमें चेक करना है तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं वो है थर्मोमीटर। बट अगर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, जैसे सन का टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर,
हाई टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए पायरोमीटर यूज किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है पायरोमीटर भी, टू रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एग्जाम्पल सन, ठीक है इसको भी याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेडार, टू डिटेक्ट रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, टू डिटेक्ट द डायरेक्शन एंड रेंज ऑफ अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट बाय मींस ऑफ रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स इसमें यूज होती है टू डिटेक्ट द डायरेक्शन एंड रेंज ऑफ अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। रेडिएटर रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ इंजन्स, इंजन्स में रेडिएटर का यूज होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। कार्बोरेटर पढ़ा पहले हमने, जो इंजन्स में यूज होता है एयर को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स करने के लिए। रेडिएटर टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ इंजन्स। रेन गॉज, देखो जैसा कि नाम है वैसा इंस्ट्रूमेंट होगा, जैसा इसका नाम है, फॉर रिकॉर्डिंग द रेनफॉल एट अ पर्टिकुलर प्लेस, रेनफॉल कितनी हुई है उसको रिकॉर्ड करने के लिए रेन गॉज ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। अभी तक जो यहां पे आया पायरोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म पूछी जाती है रेडार और सोनार की, ये फुल फॉर्म के केस में इंपॉर्टेंट है। रेडार की रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, सोनार की साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है इनकी फुल फॉर्म याद रख लेना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और रेडियो वेव्स यूज होती हैं, जैसे ये नाम है रेडियो वेव्स यूज होती हैं। सोनार, इन दोनों की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती हैं, सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है इसमें ये याद रखो, रेडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रेडियो वेव्स यूज होती हैं, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब मेरे पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है वो है सैकेरीमीटर। सैकेरीमीटर शुगर से रिलेटेड है, इसको ऐसे याद रखना, टू मेजर द अमाउंट ऑफ शुगर कंटेंट इन अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में शुगर का कंटेंट कितना है, कितनी शुगर है, ये चेक करने के लिए सैकेरीमीटर ये यूज करते हैं, ठीक है। सैकेरी वर्ड याद रख लेना, कैरी को याद रखो शुगर। सेलिनोमीटर, देखो सेलिन वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, सॉल्ट के लिए यूज करते हैं ना, तो सेलिनो को याद रखो सॉल्ट से। टू डिटर्मिन द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन बाय मेजरिंग देयर डेंसिटीज, तो सैकेरी शुगर से रिलेटेड है और सेलिनो सॉल्ट से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट है पायरोमीटर आपका, अभी तक जितने यहां पे डिस्कस किए, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर, जैसे सन का टेम्परेचर है इतना हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज पायरोमीटर, टू रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एग्जाम्पल सन। सैकेरीमीटर शुगर से रिलेटेड है, सेलिनोमीटर सॉल्ट से रिलेटेड है, ठीक है ऐसे याद रखो। ओके लास्ट में थोड़े और हैं, जैसे अभी स्पीडोमीटर मैंने अभी आपको बताया था, ओडोमीटर डिस्टेंस के लिए, स्पीडोमीटर स्पीड के लिए। स्फिग्मोमैनोमीटर ये यूज होता है ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, देखा होगा आप सभी ने, डॉक्टर के पास जाओ तो सबसे पहले यही चेक किया जाता है, यहाँ पे जो बाजू में लगाते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर चेक होगा, दैट डिवाइस इज नोन एज स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर के लिए। स्टेथोस्कोप ये भी सभी ने देखा होगा, हर डॉक्टर ने जो गले में पहना होता है स्टेथोस्कोप, टू हेयर एंड एनालाइज द मूवमेंट ऑफ हार्ट एंड लंग्स, तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, स्फिग्मोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मेजर करता है, और स्टेथोस्कोप से जो डॉक्टर जो है हार्ट की और लंग्स की मूवमेंट को सुनते हैं, टू हेयर एंड एनालाइज द मूवमेंट ऑफ हार्ट एंड लंग्स। स्टॉप वॉच ये भी सभी ने देखी होगी, 10th तक एक्सपेरिमेंट किए हैं ना, खेले भी बहुत होंगे और स्टॉप वॉच, अब तो मोबाइल्स में सब कुछ होता है, टू रिकॉर्ड स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है स्मॉल इंटरवल उसके लिए स्टॉप वॉच। टैकोमीटर ये भी इंपॉर्टेंट है, टैकोमीटर डिटरमिन स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स मोटरबोट्स एक्सेट्रा, इनमें यूज होता है, जैसे गाड़ियों में स्पीडोमीटर वैसे एरोप्लेन्स और मोटरबोट्स में टैकोमीटर। टेलेक्स हेल्प्स इन डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है जैसे फैक्स है फैसिमाइल टेलीग्राफी, वैसे ही टेलेक्स हेल्प्स इन डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कंट्रीज। थर्मोस्टैट ये भी इंपॉर्टेंट डिवाइस है, टू मेजर टेम्परेचर टू अ पर्टिकुलर एक्सटेंट भी कह सकते हैं, और टू रेगुलेट टेम्परेचर। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो भी हम बनाते हैं उनमें हम थर्मोस्टैट भी लगाते हैं टू कंट्रोल टेम्परेचर, टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टैट ये डिवाइस लगाई जाती है। सो स्पीडोमीटर स्पीड ऑफ व्हीकल, स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर के लिए, स्टेथोस्कोप
to hear and analyze the movement of heart and lungs. Stopwatch, small intervals of time. Tachometer, determine speed of aeroplanes, motorboats, etc. Thermostat, temperature को regulate करने के लिए. और last में 3 और है. Theodolite, for measuring horizontal and vertical angles with a rotating telescope. थियोडोलाइट, ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम एंगल मेजर करने के लिए. टेलीस्कोप के में ये रोटेटिंग टेलीस्कोप में ये होता है थियोडोलाइट, फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स विद अ रोटेटिंग टेलीस्कोप. ट्रांजिस्टर, रिसीव्स एंड ट्रांसमिट्स द साउंड वेव्स. ठीक, साउंड वेव को रिसीव करना और ट्रांसमिट करना ट्रांजिस्टर का काम है. विस्कोमीटर, टू डिटर्मिन द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स. ठीक है, तो ये लास्ट में 3, थियोडोलाइट फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स विद अ रोटेटिंग टेलीस्कोप, ट्रांजिस्टर रिसीव्स एंड ट्रांसमिट्स द साउंड वेव्स, विस्कोमीटर टू डिटरमिन द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स. ओके ओके, डिस्कवरीज से पहले एक बार जो मेन थे उनको बस लास्ट में एक बार सुन लो, देन डिस्कवरीज सिर्फ रिवाइज करवाऊंगी जो इंपॉर्टेंट थे उनको एक बार फिर से सुन लेना. एक्टियोमीटर measures the intensity of solar radiation. Actiometer क्यों use करते हैं? To measure the intensity of solar radiation. Altimeter, altitude, height से related है, measures the height of a flying plane. Ammeter, current के लिए. Galvanometer, small current के लिए. Anemometer, ये बहुत important है, बहुत बार exam में पूछा जाता है, and it is used to measure the speed of air. Anemometer use करते हैं to measure the speed of air. बैरोमीटर भी इंपॉर्टेंट है, मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर, और नॉर्मल प्रेशर ऑफ गैसेस अगर हमें चेक करना है तो मैनोमीटर. कैलोरीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलोरी नाम से याद रख लो अब हीट. ठीक है, अब जब भी कैलोरी वर्ड आएगा मतलब हीट से रिलेटेड है. सो मेड अप ऑफ कॉपर एंड मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ हीट. और कैलोरी ये कलर से है. क्रेस्कोग्राफ या रेस्कोग्राफ, इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की ग्रोथ को चेक करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है. इलेक्ट्रिक मोटर, डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे पूरी वर्किंग इसकी. विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. फैदोमीटर आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और फैदोमीटर क्यों यूज करते हैं? फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ ओशन, ओशन की गहराई मापने के लिए. फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ ओशन फैदोमीटर इज यूज. गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट के लिए. देन हमारे पास इंपॉर्टेंट आए थे तीनों एच वाले, ये तीनों इंपॉर्टेंट है. हाइड्रो, वॉटर से रिलेटेड, तो इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स. हिप्सोमीटर, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द हाइट अबव सी लेवल. हाइग्रोमीटर, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन एयर. मैनोमीटर अभी आपको बताया, प्रेशर ऑफ गैसेस. ओडोमीटर डिस्टेंस के लिए, स्पीडोमीटर स्पीड के लिए. पाइरोमीटर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइरोमीटर टू रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल सन. ठीक है, स्मॉल अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो थर्मोमीटर से काम चल जाएगा, हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए पाइरोमीटर. सेकेरीमीटर एंड सेलिनोमीटर, सेकेरी वर्ड शुगर से रिलेटेड है, इसको वैसे याद रख लेना है, और सेलिनो सेलीन मतलब सॉल्ट. तो सेकेरीमीटर टू मेजर द अमाउंट ऑफ शुगर कंटेंट इन अ सॉल्यूशन, एंड सेलिनोमीटर सॉल्ट से रिलेटेड है, टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन बाय मेजरिंग देयर डेंसिटीज. स्फिग्मोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप मेडिकल टर्म से रिलेटेड है. तो स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और स्टेथोस्कोप का यूज होता है टू हेयर एंड एनालाइज द मूवमेंट ऑफ हार्ट एंड लंग्स. ठीक है, टैकोमीटर ये मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बताया, टैकोमीटर डिटर्मिन्स द स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स, मोटरबोट्स एक्सेट्रा. ओके, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, तो अब आपको याद रखने हैं. ठीक है, अभी आपने एक बार कर लिए हैं, कुछ टाइम बाद दोबारा इनको रिवाइज करो. 3-4 टाइम्स आप रिवाइज करोगे आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे. ये चीजें ऐसी होती हैं इनको बार बार करना पड़ता है, डिस्कवरीज हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो स्टार्टिंग में एक बार कर लिए हैं, दोबारा रिवाइज करोगे फिर से हो जाएंगे अच्छे से, और अच्छे से हो जाएंगे. ओके, साथ में अब आपको बता दूं, नेक्स्ट सेशन मेरा आज शाम को 7 बजे है,
डिस्कवरी स्टार्ट करने से पहले 7 PM इसी चैनल पे, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम चैनल पे यूट्यूब पे ही क्लास होगी बायोलॉजी के। बेसिक बायोलॉजी के क्वेश्चन लिए हैं, सभी इसको अटेम्प्ट ट्राई कीजिए, ठीक है। जिनको बायोलॉजी क्वेश्चन कम भी आता है एग्जाम में वो भी ये क्वेश्चन करो, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा। सो बायोलॉजी क्विज 7 PM यूट्यूब पे आज शाम को क्लास है, ये करेंगे। और स्पेशल क्लास होती है मेरी 9 बजे। जिनका एग्जाम पास आ गया है वो बच्चे प्लीज ये क्लास अटेंड करें। केमिस्ट्री रिविजन कर रहे हैं हम थ्रू क्विज। एक क्विज आज हो चुका है, कल अगेन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्विज 2। ये स्पेशल क्लास है 9 बजे सुबह जो होती है। गुड आफ्टरनून राजवंश। 9 बजे सुबह जो होती है ये एक स्पेशल क्लास है जो अनअकैडमी ऐप पे होती है, बट ये फ्री है सबके लिए। ये फ्री क्लासेस होती हैं, कोई भी अटेंड कर सकता है। बस मेरा रेफरल कोड यूज करना है इसके लिए, SP समिता, या मेरा लिंक दिया हुआ है ये unacademy.com@SamitaRana5987। इस लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो केमिस्ट्री क्विज 2 कल हम करेंगे, केमिस्ट्री रिवाइज होगी इससे आपकी सारी। और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो सभी, लेट्स क्रैक डिफेंस। जितने भी एजुकेटर्स इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं आपको सारे मिलेंगे, सबके सेशंस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो ये कल के लिए बता रही हूं और आज शाम को 7 बजे। चलिए एक बार, ओके राजवंश, बायोलॉजी कोई बात नहीं कम आती है, जब मेरे बायोलॉजी की डिटेल सेशन अटेंड करना, जब मैं डिटेल में करवाऊंगी, बेसिक से स्टार्ट करेंगे वो अटेंड करना, बट क्विज भी अटेंड करो, ओके। चलिए मुझे एक बार बताइए कल 3 बजे के लिए आप लोग किस चीज में इंटरेस्टेड हो, क्या टॉपिक आप करना चाहते हो। पहले 3 PM डिटेल्ड सेशन होता है ये मेरा यूट्यूब पे, ठीक है। जो आप लोग जैसे बोलेंगे, जिसको जो टॉपिक पहले चाहिए होगा, चलिए जल्दी से एक बार बता दीजिए सोच के। 3 PM डिटेल्ड सेशन, क्या टॉपिक करना चाहते हैं कल। और देन हम स्टार्ट करेंगे अब इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। डिस्कवरीज में अगर हम बात करें, एक्सरेज, ओके राजवंश, अब आप थोड़ा सा लेट हो गए हो। इंस्ट्रूमेंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज एक्सरेज, एक्सरेज की डिस्कवरी किसने की है, रॉन्डसन ने, ठीक है। ये नोट कर लो, साथ में नोट्स बना लो, अदरवाइज एक बार सुन भी लो, तब भी कुछ पॉइंट्स कई बार माइंड में रह जाते हैं। गुड आफ्टरनून अभिषेक। यस राजवंश, ये आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अभी मैंने सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स करवाए हैं। नाउ अब हम डिस्कवरीज, ठीक है, इससे पहले हमने सारे इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए थे, अब हम डिस्कवरीज स्टार्ट करते हैं। एक्सरेज, एक्सरेज की डिस्कवरी की है रॉन्डसन ने। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है जे थॉमसन ने। ये नोट कर लो, ये आप 3-4 times तो बच्चे आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको ये चीजें याद होंगी, ठीक है। जब आप अगेन एंड अगेन ये सब करोगे तब आपको ये याद होंगे। एक्सरेज रॉन्डसन ने, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, प्रोटोन ई गोल्डस्टीन, डिस्कवरी की है ई गोल्डस्टीन ने, और नेम प्रोटोन वाज प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, एटॉमिक स्ट्रक्चर जॉन डाल्टन। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो वो जॉन डाल्टन होंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कवरी की है ए माइकलसन ने, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे माइक्रोस्कोप, जितने भी आगे और भी जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ए माइकलसन। क्वांटम थ्योरी प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक, क्वांटम थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन ने, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो बताया वो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया, एटम के बारे में जो बताया सबसे पहले वो जॉन डाल्टन ने। देन हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज आई, थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर हम कहते हैं बाय नील बोहर, ठीक है, एक रदरफोर्ड ने भी दी, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय गोल्ड फॉइल, वो रदरफोर्ड की थ्योरी है, एंड थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय नील बोहर। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्रुगली ने, रमन इफेक्ट सीवी रमन, कॉस्मिक रेज हेस एफ विक्टर, पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी एंडरसन, एटम बॉम्ब की डिस्कवरी ऑटो हान। तो ये इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स से लिए हैं मैंने सारे मैक्सिमम टॉपिक, तो इनको याद रख लो।
अब एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन. और आई थिंक ये क्वेश्चन लास्ट टाइम सीडीएस में आया भी था, ये वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टाइन, थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर नील बोहर. नहीं विक्रम, वो डिफरेंट है, ठीक है. वेव ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है. वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्रूगली. रमन इफेक्ट सीवी रमन. कॉस्मिक रेज हेसेफ विक्टर. पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, एंटी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एंडरसन ने. एटम बॉम्ब ऑटो हॉर्न. लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड जब भी आएगा कूलम से रिलेटेड होगा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स जो हमारी आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैक्सिमम कूलम की डिस्कवरी, तो चार्ज से रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस एट रेस्ट. स्टैटिक वर्ड है तो रेस्ट पे होंगे, चार्ज की बात हो रही है तो कूलम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हेलो शुभम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइकल फैराडे ने. लॉज ऑफ फ्लोटेशन आर्किमिडीज. थर्मल एमिशन एडिसन. डायोड बल्ब की डिस्कवरी की है सर जे ए फ्लेमिंग ने. न्यूक्लियर रिएक्टर बाय फर्मी, ई फर्मी. लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फैराडे. तो ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज. ओके, कुछ और भी है इससे इसके अलावा यहां पे मेरे पास, वन सेकेंड. ओके, जितनी अभी ओके यहां पे मैंने इतनी लिखी है, कुछ और भी बताती हूँ एक बार इनको फिर से देख लो. एक्सरेज रॉन्सन. इलेक्ट्रॉन जे जे थॉम्सन. प्रोटोन ई गोल्डस्टीन. न्यूट्रॉन चैडविक. एटॉमिक स्ट्रक्चर जॉन डाल्टन. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ए ए माइकलसन. क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ इस तरह के भी याद रखने हैं, जैसे हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर कौन है इन्वेंटर्स, इन्वेंटर की बात करूं अब. हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के इन्वेंटर हैं ब्रैकेट. कई बार इस तरह के भी पूछ लिए जाते हैं. रिवॉल्वर कोल्ट, इन्वेंटर ऑफ रिवॉल्वर कोल्ट. एरोप्लेन, ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, राइट ब्रदर्स. एरोप्लेन राइट ब्रदर्स. ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के इन्वेंटर हैं डब्ल्यू शॉकले. इन्वेंटर ऑफ यस एरोप्लेन के ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, राइट ब्रदर्स. ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर डब्ल्यू शॉकले. देन और इंपॉर्टेंट हमारे पास आते हैं, स्टीम इंजन की हम बात करते हैं तो स्टीम इंजन. अब ये चीजें सिलेबस में इतना नहीं रही हैं, बट स्टीम इंजन बाय जेम्स वॉट. स्टीम इंजन जेम्स वॉट. कैलकुलेटर बी पास्कल. कैलकुलेटर बाय पास्कल. देन और ओके, टेप रिकॉर्डर पॉलसेन. जो मैंने यहां पे नोट नहीं की थी बट उसके अलावा कुछ और हैं तो ये भी आप साथ में नोट कर लीजिए. सेफ्टी रेजर. सेफ्टी रेजर जिलेट. तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट इसके अलावा जो यहां पे नहीं दी थी. ओके, टेलीफोन भी ऑलमोस्ट सभी को पता होगा. टेलीफोन का आप सभी को पता है ग्राहम बेल, ये भी सभी को पता होगा, ठीक है. तो जो यहां पे गिवन नहीं थी उसके अलावा ये कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज. ओके, बैरोमीटर अभी हमने डिवाइस पढ़ी थी. बैरोमीटर टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इसके इन्वेंटर हैं टॉरिसेली. इन्वेंटर ऑफ बैरोमीटर, बैरोमीटर यूज होता है टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके इन्वेंटर हैं टॉरिसेली. ये कुछ इंपॉर्टेंट आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना. अभी लास्ट टाइम भी ये सीडीएस के एग्जाम में या आई थिंक सीएपीएफ के एग्जाम में, ये जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था. एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन. थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर नील बोहर. वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्रूगली. रमन इफेक्ट सीवी रमन. कॉस्मिक रेज हेसेफ विक्टर. पॉजिट्रॉन बाय एंडरसन. एटम बॉम्ब बाय ऑटो हॉर्न. लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कूलम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइकल फैराडे.
लॉज ऑफ फ्लोटेशन अभी थोड़े दिन पहले हमने डिस्कस किए थे, बाय आर्किमिडीज, थर्मल एमिशन बाय एडिसन, डायोड बल्ब बाय सर जे ए फ्लेमिंग, न्यूक्लियर रिएक्टर ई फॉर्मी, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फैराडे। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स तो अच्छे से याद कर लो और डिस्कवरीज को एक बार अभी कर लो, जिसका एग्जाम पास में उसका रिवाइज हो जाएगा, और बाकी इसको 2-3 times करना, ठीक है। अगेन थोड़े थोड़े दिनों बाद रिवाइज करते रहो, आपको अपने आप ये चीजें लर्न हो जाएंगी। ओके, यस, साथ में आप मुझे बता सकते हैं, मैंने आपको पूछा था अभी, आप नेक्स्ट सेशन कल 3 बजे क्या करने में इंटरेस्टेड हो, कौन सा टॉपिक आप लोग पहले करना चाहते हैं 3 PM, आप लोग मुझे बता सकते हैं। और 7 PM अब मेरे नेक्स्ट क्लास होगी यूट्यूब पे बायोलॉजी क्विज, ठीक है, ये आज शाम को 7 बजे, आज शाम को 7 बजे हम बायोलॉजी के बेसिक क्वेश्चंस करेंगे थ्रू क्विज। तो ये सेशन जो बिगनर्स हैं लर्न, वो भी स्टार्ट करो, वो भी अटेंड करो, उनकी भी प्रैक्टिस होगी। हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड ऑन विच रिएक्शन, हाइड्रोजन बॉम्ब, देखो जैसे सन में रिएक्शन होती है वैसे हाइड्रोजन बॉम्ब में भी न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बॉम्ब मतलब उसमें हाइड्रोजन गैस होगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होंगे तो वो हीलियम में कन्वर्ट होगा। तो जहां भी दो एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं तो दिस इज नोन एज फ्यूजन, ठीक है। सन में और हाइड्रोजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, एटम बॉम्ब में और न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। ओके, यस, इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट सेशन आज शाम को 7 बजे है बायोलॉजी क्विज, उसको सभी अटेंड करो। और कल सुबह स्पेशल क्लास 9 बजे होगी, कल भी सेम टाइमिंग है केमिस्ट्री क्विज, जो अपने संडे एग्जाम के लिए केमिस्ट्री रिवाइज करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल क्लास में। सो अभी के सेशन में हम इतने क्वेश्चंस करेंगे, अभी के सेशन में हम इतना ही करेंगे। सो लाइक जरूर करना प्लीज एक बार, जितने भी बच्चे अभी सेशन में थे अटेंड किया कर रहे थे, लाइक जरूर कीजिए सेशन को, शेयर भी करो, जो आपके और फ्रेंड्स होंगे जो डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड इफ यू ऑल वॉन्ट टू क्रैक योर डिफेंस एग्जाम देन लेट्स क्रैक इट विथ अनअकैडमी। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना, प्लस पे आपको यही सब चीजें और भी बेटर स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेंगी, ठीक है। जो एजुकेटर्स प्लस पे सेशंस ले रहे हैं हाईली क्वालिफाइड, प्रॉपर उन्होंने आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कोर्स डिजाइन किया हुआ है, और कोर्स बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, उसका बेनिफिट तभी मिलेगा अगर आप प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो अब 1 महीना जनवरी हो चुका है, फरवरी स्टार्ट हो गया है, अभी भी टाइम है, सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है। If you want to crack your defense exam, then let's crack it with Unacademy. जल्दी से Unacademy learning app install करो। App install करके जो भी आपका defense exam से related course है, CDS है, FCAT है, CAPF है, NDA है, जो भी आपका course है, उसके लिए आपको subscription लेना होगा, plus subscription. और जब भी आप plus subscription लेंगे, use my referral code Samita, SAMITA, ठीक है, यही referral code use करना है। जब भी subscription लेना है मेरा रेफरल कोड यूज करना है, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन 7 PM शाम को यूट्यूब बायोलॉजी टेस्ट, ये आज शाम को 7 बजे यूट्यूब पे क्लास होगी। सो थैंक यू।